हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आपका जो प्रोनाउन का पार्ट चल रहा था उसका आज वाइंड अप सेशन है। और मैंने ये सोचा है कि भाई अब आप लोगों के दो तीन चैप्टर्स करा के मिक्स करके एक्सरसाइज करवाऊंगी। लाइव नहीं आ पाई क्योंकि आपको मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। मुझे मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, मेरी आँख में कुछ स्ट्रेन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए जरूर करूं कि जिससे कि आप लोग जो है यू मस्ट फील कनेक्टेड विद इंग्लिश सूत्रा। तो वो जो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सेशन लाई हूँ। लिटरेचर का जो पार्ट है जूनियर वाला वो आज मैं तैयार नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो मैं आप लोगों को उसका लेक्चर जो है वो कल सुबह आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन ग्रामर का लेक्चर आज वाइंड अप सेशन है प्रोनाउन का, तो वो देख लीजिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ नोट डाउन कर लिया करिए क्योंकि कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वो पॉइंट्स जो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्रामर डे 8 डॉक्टर स्वाति शर्मा। और इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स? सबसे पहले एक चीज ये याद रखिएगा, देखिए अगर हमारे सेंटेंस में इट आ रहा है और इट के बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहली बात तो यहां पर ये जो केस लगता है वो नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब है एक तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर में आता है, इज आता है, वॉज आता है, फ्यूचर में आएगा तो विल बी शैल बी आएगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो अगर जो सिंगुलर प्लूरल में बढ़ते हैं वो सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके बाद जो केस लगता है वो नॉमिनेटिव लगता है। तो ये इट इज मी, ये सेंटेंस बोलने की भाषा में तो लोग बोलते हैं तो ये ठीक माना जाता है बोलने में, लेकिन लिखने में ये सेंटेंस गलत होता है, इट्स आई होता है। इसी तरीके से अगर आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं तो वॉज इट हिम, तो जब इट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो केस कौन सा लगता है? नॉमिनेटिव केस। तो वॉज इट ही हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स? तो यहां पर आप याद रखिएगा इट्स आई, इट्स यू। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो जोर देने के लिए यूज किया जाता है, तो जोर देने के लिए नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाता है। तो पॉइंट नंबर वन हो गया, यहां पर हुआ ही। दे दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। अब ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो है इसमें है दे आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। कौन? तो यहां पर ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। आप प्रिंसिपल क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज से अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो कौन सा? अब ये क्लॉज कौन सा है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज में नाउन और प्रोनाउन को वर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन जो है वो उसके बारे में बताता है। तो यहां पर आ रहा है दे, तो दैट नहीं आएगा, दे हु हैंकर। तो ये हैंकर आफ्टर वैसे भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो तो आपके लिए वहां पर जो प्रोनाउन यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन वो कौन सा यूज होता है? हु। दे हु हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। याद रखिएगा दे से लेकर आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड प्रिंसिपल क्लॉज है, हु हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा सबॉर्डिनेट क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो ठीक उस नाउन प्रोनाउन के बाद लगता है जिसके बारे में वो बताता है। दे के बारे में बता रहा है तो यहां पर हु लगेगा, हु लगने का रीजन क्या है? यहां पर क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। अगर वर्ब से शुरू होता है तो हु, अगर नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो तो हुम का यूज किया जाता है। आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी। अब आप इसको याद रखिएगा, अगर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होता है You and he, तो जो पजेसिव केस लगता है वो लगता है your, बाकी सब में आवर लगता है। अब आप यहां पर ये देखिए, यहां पर आ रहा है सेकेंड पर्सन है you, थर्ड पर्सन है your brother, तो जब सेकेंड और थर्ड पर्सन एक साथ आते हैं तो पजेसिव केस लगता है your, तो यहां आएगा you, I am sad to learn that you and your brother have lost your money in शेयर मार्केट। तो याद रखिएगा कि ये इसको इस तरीके से है, अगर यू ही एंड आई आए
तो केस यूज होगा आवर। अगर ही एंड आई आ रहा है तो भी केस यूज होगा पजेसिव, यूज होगा आवर। अगर यू एंड आई आएगा तो भी आवर ही यूज होगा, लेकिन अगर यू और ही आएगा तो पजेसिव केस यूज होगा योर। तो यहां पर जो यू है वो सेकंड पर्सन है, योर ब्रदर थर्ड पर्सन है, इसलिए पजेसिव केस क्या लगेगा? योर। तो यहां योर हो जाएगा। अब ये वाला समझिए, दिस इज ओनली वन ऑफ आवर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। अब इसके बारे में समझिए, इस वाले पॉइंट को भी मैं आप लोगों को समझाती हूं। अगर ये आता दिस इज वन ऑफ द नॉवेल्स दैट होता और हमें यहाँ पर वर्ब भरना होता तो हम क्या लगाते? आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर यूज होता है। वर्ब कैसा यूज होता है? सिंगुलर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलती हूं वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, सही है क्योंकि नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। लेकिन अगर मान लीजिए वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो उसके जस्ट पहले देखते हैं कि नाउन कैसा है और उसके हिसाब से वर्ब लगा देते हैं। दिस इज वन ऑफ आवर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड सो फार। तो यहां पर अगर वन ऑफ आ रहा है लेकिन दैट के पहले नॉवेल्स, दैट के पहले प्लूरल नाउन आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर। अब इसमें एक और पेंच है, अगर मान लीजिए ओनली आ जाता है, दिस इज ओनली वन ऑफ आवर नॉवेल्स, तो फिर ये नहीं आ जाता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाता है ये। अब जब ये सब्जेक्ट हो जाता है तो यहां वर्ब लग जाता है सिंगुलर। तो फिर दोबारा से याद रखिएगा कि अगर ओनली नहीं है तो नॉवेल्स के हिसाब से दैट के जस्ट पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो नाउन आ रहा है उसके हिसाब से वर्ब प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर वन के पहले ओनली लग गया तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बन जाता है वन। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये देखिए, दिस इज वन ऑफ आवर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। अब यहां पर क्या है, अगर वन ऑफ होता तो बिल्कुल सही था सेंटेंस, लेकिन यहाँ ओनली लगा हुआ है तो सब्जेक्ट हो गया वन, तो यहां पर आएगा हैज बीन। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द सरस्वती इज अ रिवर हूज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। अब एक चीज बात कर रहे हैं सरस्वती की, नदी है, कोई ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं। पजेशन जो बताया जाता है वो ह्यूमन बीइंग्स का बताया जाता है, मतलब हूज से पजेशन ह्यूमन बीइंग्स का बताया जाता है। नॉन लिविंग थिंग का बताया जाता है ऑफ विच से, किससे बताते हैं? ऑफ विच से। तो अब कैसे बनाएंगे, द सरस्वती इज अ रिवर द ओरिजिन ऑफ विच, तो इसको ऐसे बनाया जाएगा द ओरिजिन ऑफ विच has always been a matter of conjecture. This is the house, जैसे हम यहां पर लिखें, this is the house of which the windows of which are broken. This is the house, the windows of which are broken. तो यहां पर हम लोग जब नॉन लिविंग थिंग का किसी पर अधिकार बताते हैं तो ऑफ विच से बताया जाता है। द सरस्वती इज अ रिवर ऑफ विच ओरिजिन, नहीं द ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। तो ये हुआ है आपके यहां तक, क्या कहते हैं, स्पॉटिंग द एरर वाले। वी स्कोर्ड, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर रही हूं, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे। अब यहां दे का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं नॉमिनेटिव केस को, नॉमिनेटिव केस से अगर करें तो हम वहां पर कौन सा केस है? अगर आता है आई स्कोर्ड या ही रिस्पेक्टेड मी मोर देन यू, तो
तो यहाँ पर ही expected me more than him, ये सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो नॉमिनेटिव केस की तुलना नॉमिनेटिव केस से हो रही है, इसीलिए यहाँ आएगा दे। यू एंड लेट यू एंड मी, लेट यू एंड मी वर प्रेजेंट। अब सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, लेट इज अ वर्ब, लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस लगता है, इसीलिए यहां पर आएगा लेट यू एंड मी वर प्रेजेंट। लेट एक वर्ब है, वर्ब होने की वजह से वो क्या पर वहां पे कौन सा केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर, यू एंड शी हैव। अब मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ दिया हुआ हो तो आपका पजेसिव केस लगेगा योर, तो यहां आएगा यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर। दिस इज द ओनली थिंग डैश आई वॉन्ट, भाई अगर थिंग आता है तो विच लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस में द ओनली, द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, आई, तो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो क्या यूज होता है, दैट, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक राम और श्याम हैज लॉस्ट, बात यहां एंड की नहीं करी जा रही, यहां और की करी जा रही है। अब आप यहां पर देखिए, जब कभी भी सेंटेंस में और नॉर वगैरह लगता है तो बाद वाला देखते हैं, बाद वाला भी लड़का ही है, आई थिंक अगर मालूम नहीं होता राम और सीता तो भाई और के बाद वाला देखते हैं तो हर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ लड़का ही है तो आई थिंक राम और श्याम हैज लॉस्ट हिज बुक्स। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटेंस में हमारा और नॉर बट ऑल्सो ये आ रहा है तो वर्ब जो लगता है वो भी इनके बाद वाला और जो प्रोनाउन लगता है वो भी इनके बाद आने वाला जो है वो यूज किया जाता है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ डैश गोइंग टू अमेरिका, सेड द न्यू मैनेजर, ओनली ऑफ डैश आई शुड गो विद। अब यहां पर ये देखिए, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ, अब यहां देखिए आप यहां पर आया जेरेंट, जेरेंट आया, जेरेंट नाउन का के रूप में काम करता है, वर्बल नाउन क्या कहते हैं, जेरेंट के पहले या तो आप लगाइए पजेसिव नाउन, ठीक है, या लगाइए पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी पजेसिव नाउन लगता है यानी कि अपोस्ट्रोफी एस, ये जेरेंट के पहले तो पजेसिव नाउन लगता है या पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है, तो पजेसिव नाउन या पजेसिव एडजेक्टिव का कहने का मतलब ये है कि यहां पे इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ माय गोइंग, तो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, सेट द न्यू मैनेजर, ओनली ऑफ डैश आई शुड गो विद, ओनली ऑफ ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगता है तो ओनली ऑफ होम आई शुड गो विद, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। ऑफ डैश आर यू स्पीकिंग, अर्जुन और अभी ऑफ होम आर यू स्पीकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हो, अर्जुन और मी, तो भाई यहां पर है आर यू स्पीकिंग वर्ब के बाद अर्जुन और मी, अर्जुन या भाई बात आ रही है कि ऑफ होम आर यू स्पीकिंग, अर्जुन और आई नहीं, अर्जुन और मी होगा क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसलिए यहां पर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। She is one of the, यहां वन ऑफ मिस है, she is one of the best mothers, यहां मदर्स आएगा क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, she is one of the best mothers that have ever lived, यहां that इसलिए आ रहा है, ये पॉइंट मैंने आपको इससे पहले भी क्लियर किया था कि अगर सेंटेंस में the only, the same या the superlative degree आ रहा है तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो कौन सा यूज होता है, दैट।
Now the next question is, the new chief minister is a local person dash we are quite sure will be able to control the problems of terrorism. यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर सेंटेंस में श्योर थिंक बिलीव वर्ड्स आ रहे हैं तो वो पार्ट किसका होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट होते हैं. आप उनको हटा कर देखिए कि जो सेंटेंस है सबॉर्डिनेट क्लॉज वर्ब से शुरू हो रहा है या नाउन प्रोनाउन से. आप देखिए यहां पर वो वर्ब से शुरू हो रहा है तो यहां आएगा हु. तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. आज बस इतने ही करवा पा रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं करवा पा रही हूँ. जैसे ही तबीयत ठीक होती है वैसे ही आप लोगों के लिए खूब अच्छा लाइव सेशन जो है लूंगी, कोशिश करूंगी कर ही लूँ लाइव सेशन. मिलते हैं कल, बाय बाय.